हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अपने अगली फिल्म जय हिंद के लिए। और कल यानी 9 अगस्त उस दिन क्रांति दिवस है और उसी दिन आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो कुछ बताएंगे इस फिल्म के बारे में? थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मेहनत से बनी है जय हिंद। इस फिल्म के अंदर हमारा खून पसीना लगा है, बिकॉज बहुत दिल के करीब रही है ये फिल्म मेरी। ये फिल्म की कहानी मैंने आज से 4 साल पहले खिलाड़ी के वक्त केसारी जी के मुँह से सुनी थी। एंड कभी कभी होता है ना, दिल से अगर आपने किसी चीज़ के लिए कहा हो कि काश ये फिल्म मेरे पास आए और वो आपके पास आ जाए, मेरे साथ वही हुआ। उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली कहा था, एक कहानी मेरे पास आई है, बहुत अच्छी कहानी। उन्होंने मुझे फ्लाइट में कहानी सुनाई थी, हम लोग मनाली जा रहे थे, एंड मन में ऐसे एक आवाज़ आई, काश ये फिल्म मैं करूँ। एंड आफ्टर 3 ईयर्स जनवरी में ये फिल्म का ऑफर मेरे पास आता है। आई वॉज सो सुपर एक्साइटेड कि वाओ, एटलीस्ट मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला। बिकॉज इस जय हिंद ने जो मतलब राधा का कैरेक्टर है उसमें इतने शेड्स हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो आई वॉज सुपर एक्साइटेड और मुझे बहुत खुशी हुई। हमने जोधपुर में वेदर के अगेंस्ट जाके शूट किया, बहुत गर्मी में, रेगिस्तान में। आपने जैसे ट्रेलर में देखा होगा, बहुत भागे हैं हम लोग। एंड बहुत खुशी होती है जब आपने इतनी मेहनत की और उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करें। एंड आई एम सुपर नर्वस ऑल्सो, क्योंकि आजकल क्योंकि जो भोजपुरी का हाल चल रहा है कि फिल्में चल नहीं रही हैं, तो वो देख के थोड़ा डर भी लग रहा है। बट आई नो मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, आई नो यू गोइंग टू सपोर्ट मी। एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप लोग आएँ, जाके देखें। जो वल्गैरिटी का एक ठप्पा भी लगा है भोजपुरी पे, वो भी नहीं है इसमें। इट्स अ वेरी साफ सुथरा फिल्म, पूरी फैमिली के साथ आप जाके फिल्म देख सकते हैं और आप, मुझे यकीन है आप लोग जाके फिल्म एंजॉय करेंगे। आप अपने किरदार के बारे में बताइए, इस फिल्म में आप कैसा किरदार निभाने वाली हैं? एक्चुअली मैं ज़्यादा अपने कैरेक्टर के लिए बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरे कैरेक्टर के ऊपर ही पूरी कहानी है। अगर मैंने उसका कुछ भी रिवील किया तो कहानी रिवील हो जाएगी। बट आई कैन जस्ट से दिस कि मुझे बहुत खुशी हुई है ये कैरेक्टर करके। एक साधारण सीधी सादी सी लड़की, फिर एक गृहिणी बनना और फिर अपने प्यार के लिए रिवोल्ट करना, इतने शेड्स हैं। सो ये शेड्स करके बहुत खुशी मिली है। बात करो तो इस पिक्चर में पवन सिंह भी है, पवन सिंह के ऊपर इस समय बड़ी मुसीबत चल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि दो इंडिविजुअल जब एक दो लोग जब प्यार करते हैं तो उनके उस रिलेशनशिप में झगड़ा ऊंच नीच तो होती ही रहती है। वो ही एक प्यार का मेन बेस होता है कि आप लड़ते झगड़ते हो, प्यार करते हो। ये चीज़ थोड़ी आगे चली गई है इसमें, एक मुद्दा हमने देख लिया है, अक्षरा जी का सुन लिया है कि वो क्या कहना चाहती हैं। अभी तक पवन जी सामने नहीं आए हैं, तो आई वुड से कि मैं इसके ऊपर कुछ कहूँगी नहीं जब तक पवन जी का क्या कहना है इसके ऊपर, वो सुन लूँ। लेकिन जिस तरह से अक्षरा मैम कह रही है कि लोगों को फिल्मों से निकालना, स्पॉट बॉय को निकालना, मतलब एक तरह से वो करते हैं कि फिल्मों से आउट करना, ये सब क्या ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं? मैं उनके साथ 5 फिल्में कर चुकी हूँ, ये मेरी 5वीं फिल्म है और 6वीं शुरू होने वाली है। मुझे तो आज तक ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला। मैं तो नहीं हूँ, भोजपुरी भी नहीं जानती थी जब इस इंडस्ट्री में आई थी, आई वॉज टोटली न्यू। मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया, मुझे तो ये आज तक फेस करने को नहीं मिला। वेदर पवन जी, केसारी जी और दिनेश जी, किसी ने मुझे फिल्म से निकलवाया हो, एवरीबडी हैड सपोर्टेड, तो मुझे तो नहीं लगता कि दिस इज ट्रू। मेरे केस में तो आज तक ये हुआ नहीं है, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट हर। लेकिन उनके समर्थन में कोई बोल नहीं रहा है, अक्षरा मैम के समर्थन में कुछ लोगों ने बोला, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई नहीं आया मीडिया के सामने, पवन जी भी नहीं आ रहे मीडिया के सामने बोलने के लिए। पवन जी हो सकता है किसी काम के लिए बिजी हो, बट आएंगे, जरूर आएंगे। अभी तो जय हिंद के प्रमोशन के लिए वो आएंगे, तो आप लोग के सामने आने ही आने वाले हैं। एंड आई थिंक सो ही वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखेंगे। मैं इतना कह सकती हूँ जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पवन जी के साथ, 5 फिल्में कर चुकी हूँ, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मस्ती मजाक करते करते पूरी फिल्में खत्म कर देते हैं। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी एक्टर को उन्होंने डोमिनेट किया हो या कोई सीन के अंदर वो मतलबी पना उनके अंदर आया हो कि भाई मैं इस फिल्म में मेन, मैं हीरो हूँ तो मैं हीरोइज्म दिखाऊँ। वो हर कैरेक्टर को उठाना चाहते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि एक फिल्म में जब तक हर कैरेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक वो फिल्म नहीं होगी। फिल्म खूबसूरत तभी लगती है जब हर कैरेक्टर अपना किरदार अच्छे से भी पोर्ट्रे करे। सो मेरे सामने तो हमेशा यही हुआ है, तो आई रियली डोंट नो, आई रियली फील के हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ हुई हो और कुछ तो गलत हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू मी पवन जी इज अ वेरी नाइस पर्सन। आपने उनके साथ 5 फिल्में की है, जिस तरह से उनका इमेज बनाया जा रहा है सोशल मीडिया में, तो आपको क्या लगता है कि उस तरह क्या है वो?
मुझे तो नहीं लगता उस तरीके के, अगर उस तरीके के होते तो कहीं ना कहीं 5 फिल्मों में 1 फिल्म में तो मेरे सामने नजर आता ना, कहीं ना कहीं किसी को तो मारा होता, किसी को तो गाली गलौज की होती, कुछ तो मेरे सामने तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। विद मी तो ही इज बीइंग वेरी नाइस। बीइंग अ वुमन, अक्षरा सिंह ने जो भी बयान दिया है या जो भी एग्जाम लगाए हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती है? अगर ये झूठ है तो उसके ऊपर क्या कहना? बीइंग अ वुमन, इफ यू आस्क मी, अगर ये सच है तो पवन जी गलत हैं, बट उनके कहने में कितनी सच्चाई है पहले वो उसका स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है कि जो वो कह रही है वो सच है। मुझे तो पता नहीं, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप, सो आई रियली डोंट नो कि वो सच बोल रही हैं या पवन जी सच हैं, कौन सच है आई डोंट नो। अगर लेकिन अगर एज अ वुमन यू विल आस्क मी इफ वॉट एवर अक्षरा जी सेइंग कि ये सब चीज़ें उनके साथ हुई हैं, देन पवन जी इज़ रॉन्ग। बट आई फील, मेरा दिल कहता है कि पवन जी उस तरीके के हैं नहीं, बिकॉज आई हैव वर्क्ड विद हिम, ही इज़ नॉट वन पर्सन जो किसी पे हाथ उठाएंगे, गाली गलौज करेंगे या किसी को निकलवाएंगे, आज तक तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, सो आई रियली डोंट नो। अक्षरा जी बोल रहे हैं कि उनके भाई कॉल करके मुझे फोन मतलब धमकी दे रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि पवन सिंह ऐसा करवा सकते हैं? I don't think so. अच्छा ठीक है, आप पवन सिंह को professionally जानती हैं, but personally आपको लगता है कि personal तौर पे जाकर वो इतना कुछ कर सकते हैं किसी के साथ? मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज प्रोफेशनल जितना मैं उनको जानती हूँ, इज अ वेरी नाइस पर्सन और मेरे साथ बहुत अच्छे से काम किया है, मैं तो पहली फिल्म से उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो अगर उनमें अगर 1% भी वैसा होता तो मुझे पहली फिल्म से ही पता चल जाता, बिकॉज उस टाइम पे वो स्टार थे एंड आई वाज अ न्यूकमर, तो कहीं ना कहीं वो अपना स्टारडम मेरे सामने दिखाते, बट ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज वेरी स्वीट टू मी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया था, इवन दिनेश जी वॉज देयर इन दैट फिल्म, दिनेश जी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया था, तो मुझे तो नहीं लगता कि ही कैन डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज अगर इंसान के अंदर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं 5 फिल्म में मुझे कहीं तो दिखता कि या ही इज लाइक दैट। आखिरी सवाल, मधु जी क्या पवन सिंह जी के साथ हैं? मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ, मैं 100% उनको सपोर्ट करना चाहूँ, कर रही हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ही इज राइट। वन मोर क्वेश्चन, कि सेट पर पवन सिंह का जो बिहेवियर था आपके लिए या बाकी लोगों के लिए, कास्ट के लिए कैसा था? बहुत अच्छा था, और लोग, मैंने यहाँ तक सुना है कि वो कहते हैं लोग लेट आते हैं उनकी वजह से, फिल्म 12 बजे शूटिंग शुरू होती है या 2 बजे शुरू होती है, हमारे सेट पे 7 बजे की शूट हम जोधपुर में लगाते थे, 7:15 बजे विद मेकअप ही यूज्ड टू बी रेडी, एंड उन्होंने जितना सपोर्ट किया है हमें इस फिल्म के अंदर शायद ही कोई करता। ही इज़ ऑल, रेगिस्तान में 80 किलो के इंसान को लेके भागना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, उन्होंने वो किया है, एंड कभी कोई टैंट्रम्स नहीं दिखाए कि मैं थक गया हूँ, इतनी गर्मी है, रेगिस्तान में कैसे भागूँ, उनका हमेशा फुल सपोर्ट रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि जो लोग कहते हैं वो सच है, तो मैं कुछ, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं किसी को बिलीव नहीं करती। तो आपको नहीं लगता कि जैसे अक्षरा सिंह बयान दे रही हैं, इंटरव्यूज दे रही हैं और ये सब चीजें बता रही हैं, तो वैसे ही पवन सिंह को भी अपनी तरफ से अपना साइड सामने रखना? आएंगे वो भी अपने, अभी मैं कह तो रही हूँ जय हिंद रिलीज हो रही है तो नेचुरली वो सबके सामने आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग उनसे सवाल पूछिए, वो जरूर आप लोग को जवाब देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.